आवश्यक तत्व है वो गौमूत्र में है। अभी हमारी माताएं घर में जब पेट में से होती हैं तो हमारे जो डॉक्टर्स के पास जाओगे आप सरकारी दवाखाना, तो उस समय बोलते हैं फॉलिक एसिड खाओ, आयरन टैबलेट खाओ, कैल्शियम खाओ, करते कि नहीं करते। अगर ये गोमूत्र, मैं उन डॉक्टर्स को पूछता हूँ जो बूढ़े बूढ़े डॉक्टर हैं, मैं बोलता हूँ आप जब जन्म हुए थे तो आपका माताजी कौन से दवा खाने से फॉलिक एसिड और कैल्शियम टैबलेट और आयरन पिल्स खाए थे? तो ये सारी चीज अपने गोमूत्र में से है। आप कोई भी बीमारी हो, कैसा भी बीमारी हो, चिंता मत करो, पहले गोमूत्र पियो, सूखा कच्चा। क्या करना, गोमूत्र सुबह निकालिए, ऐसे सूती कपड़ा उसको ऐसे 8 बार मोड़ लीजिए और गोमूत्र को छान लीजिए नीचे, ऐसा करके इधर गोमूत्र डालिए नीचे छान लीजिए और एक गोमूत्र मिल गया, सीधा पक्का पक्का पीना है। कितना पीना है, प्रारंभ में 1 कप, चाय पीने वाले जो कप है उसमें 1 कप चाय जैसा गोमूत्र को पी जाना है। 30 मिनट के अंदर पेट साफ। धरती में ऐसा कोई टैबलेट दवाई नहीं निकला जो 30 मिनट के अंदर आपका पेट को सफाई कर दे। गो माता की गोमूत्र का पहला चमत्कार। जब तक पेट साफ नहीं है, ये जो पाकिस्तान है ना, इधर पाकिस्तान है उधर नहीं है, ये पाकिस्तान जब तक साफ नहीं होता है तब तक ये प्रॉब्लम करेगा। पूरा विश्व के लिए समस्या है, पूरे शरीर के लिए समस्या है ये पाकिस्तान, इसे पहले साफ करो। कोई भी बीमारी हो, कमर का दर्द, घुटने का दर्द हो, गर्दन का ऐंठ, कुछ भी बीमारी, आंख में बीमारी, सर में बीमारी, सर दर्द, पेट दर्द, कुछ भी बीमारी, पहले गोमूत्र, ठीक है। दूसरा है, जैसे मैं बोला दूध का मावा बनाते हो, खोवा बनाते हो, ऐसे ही गोमूत्र को भी खोवा बना के छोटे छोटे टैबलेट बना लीजिए और उसको संरक्षण का बात बताया। बेचने का चिंता मत करो, बिक्री का चिंता मत करो, आप ट्रक भर के माल दे दोगे हम तैयार हैं, रामदेव जी तैयार हैं, और भी बहुत सारे साधु संत ऐसे कथाओं के माध्यम से इतना बिक्री हो जाता है कि डब्बा के पीछे मार्केट हो जाता है। अभी कानपुर में और लखनऊ में मैं रहा, कोलकाता रहा, गोरखपुर में भी रहा, तो जितने लेके गए थे खत्म, फिर मंगाने पड़े और था नहीं माल अपने पास। तो मेरा कहीं भी कथा होता है बड़े बड़े, यहाँ तो गांव है, शहरों में बहुत बड़े बड़े कथा, हजारों लाखों लोग भीड़ होते हैं और एक फोन करूंगा कि अरे ये गोरस वाले भेजो गोमूत्र का बट्टी, गोमूत्र का टैबलेट, आप बना नहीं सकते। ये भारत में 125 करोड़ लोग हैं और एक एक डब्बा आप उसमें 30 से 60 गोली रखो, गोमूत्र स्टॉक करना चालू करो, फिर देखता हूं पैसा का कहां करूं। करना चालू करिए, गोमूत्र को संरक्षण करना चालू करिए। सावधान, भैंस का मूत्र उसमें मिलाना, जो लोग भैंस रखे हो ये यम के सवारी रखे हो, यम यम महाराज उसी में बैठ के आएंगे घर में और उसी में जाएंगे। अब देखो भैंस का बच्चा को क्या बोलते हो, इधर पढ़ा क्यों बोलते हो, क्योंकि वो जन्म होने के बाद उठ नहीं सकता, उसको खड़ा करना पड़ता है, ऐसा ना। लेकिन गाय का बछड़ा बछड़ी जन्म होते ही तुरंत उठ के, और हजार गाय भी रहे ना जंगल में चरते हो तो उसका बछड़ा उसका बछड़ी तुरंत दौड़ के उसी के माँ के पास, लेकिन जो वही माता है वो सुन सुन के बड़ा मेहनत से पहुंचेगा अपना माँ के पास। बुद्धिहीन तन जान के ये भैंस, बुद्धिहीन प्राणी,
और भैंस के आगे बीन बजाओ, सुनने वाली है? नहीं। तो भैंस का दूध पियोगे पिलाओगे, खुद का दिमाग भी भैंस। और जिसके साथ सत्संग करोगे ना महाराज, गाय के साथ रहोगे तो आपका जीवन गोपूर्ण हो जाएगा। भैंस का साथ रहोगे, भैंस के साथ सत्संग करोगे तो आप भी पाड़ा बन जाओगे, बुढ़ापे में उठ के चल नहीं सकते। और ये देश गौ का भूमि है। हाँ, आपको शहरी वाले बोलेंगे यार इसमें ज्यादा भैंस का दूध अच्छा है आप, लेकिन भैंस का दूध सबसे ज्यादा बीमार कर रहा है। और मेरा अनुरोध है जितना रखियो रखियो, जीव मात्र प्राणी में प्राणी मात्र भगवान है, लेकिन आगे भैंस मत बढ़ाओ, गाय मत बढ़ाओ। और ये जो गौमूत्र का कीमत इतना है, भैंस का मूत्र में कीमत नहीं, जर्सी हॉस्टल का मूत्र में कीमत नहीं। तो आपको तरीका बताया, उपयोग बताया, और गौमूत्र का एक एक टैबलेट एक एक गोली नित्य प्रतिदिन आप भी ले सकते, ठीक है? कीमत क्या है गौमूत्र का? खाली खाली गौमूत्र अगर आप बेचने जाओ, पहुंचा के 5 रुपया तक, और वहां पहुंचाने से 10 रुपया लीटर तक। मेरे को एक बार 20,000 लीटर गौमूत्र का ऑर्डर था, 20,000 लीटर गौमूत्र का ऑर्डर आसाम के चाय बगान वाले हमारे मेरे से ले गए थे। ये गौमूत्र तो आप आंख में एक बीमारी होती है ना मोतिया में, तो गौमूत्र को थोड़ा सा उबाल लेते हैं, हल्का हल्का उबाल लेते हैं ताकि उसका गैस निकल जाए, और उसको भी आंख में डालते हैं, कान में डालते हैं, नाक में डालते हैं। इसमें कुछ सावधानियां हैं, मैं बता दूं। कच्चा गौमूत्र को रख के बहुत दिन तक उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको अगर अर्क बना लेंगे, अर्क बनाना मैंने समझते हो, महुआ का गच देखेगा, महुआ का गच इधर है ना, उसका फूल होते हैं और उसमें से दारू बनाते हैं, आपकी तरफ बनता है कि नहीं होता? बस ऐसे ही गौमूत्र को एक तरफ डाल के उबाल लेना है, गर्म कर लेना है, और इधर से फिर धीरे 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 उसका जो बाष्प से निकले, और उसको आप बोतल में भर के रखते हो। हमारे तरफ 150 रुपया प्रति लीटर गौमूत्र बिके, और अगर उसको हम पेस्टिसाइड बना देते हैं कीट नियंत्रक, तो मैं खुद बेचा हूं 250 रुपया लीटर गौमूत्र। दूध बेच बेच के कितने में बेचोगे? 30 रुपया 40 रुपया, उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन बस गौमूत्र किसका हो? देसी गाय का। सब बोलना देसी गाय, देसी गाय, देसी गाय। और गीर गाय हो तो और अच्छा, ठीक है? ये जो गीर गाय आपके यहाँ है, ये टॉपिक बंद करेंगे, दूसरा टॉपिक लीजिए।